मेरे जी इस पे कब्जा कर लिया। नुसरत फातिमा मेरी जान, अब तुम मुझे माफ़ कर दो, अब तुम मुझसे मिलने आ जाओ, मैं तरस गई हूँ तुम्हें देखने के लिए। न्यू मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल, हक पब्लिक स्कूल, हैप्पी लैंड स्कूल, स्प्रिंगफील्ड था, वहाँ मैंने 1.5 साल पढ़ाया। जब मेरी बेटी हुई है तो उसके बाद मैं बीमार हो गई थी, मुझे फिजियोशीमा हो गया था। मेरी बेटी मुझसे दूर है, उन लोगों ने मेरी बेटी छीन ली। 15-16 साल हो गए नुसरत से जुदा हो। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मामा मैं आपसे मिलने आऊँगी, तो क्यों नहीं मिलने आ रही? मेरा दिल बहुत उदास है। नज़ीर उनका फी एक आस हो गई है, एक उम्मीद हो गई है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर उमड़ा कराएं। जो मुझे भेजेगा मैं उनके लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला इनकी मुरादें पूरी करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिनते फातिमा ओल्ड होम इस्लामाबाद में 1 साल से रह रही हूँ, और इससे पहले मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ख़वातीन 6 रोड से BA किया हुआ है। मैंने मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ाया भी हुआ, टीचिंग भी की हुई है। न्यू मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल, हक पब्लिक स्कूल, हैप्पी लैंड स्कूल, उसके सामने स्प्रिंगफील्ड था, वहाँ मैंने 1.5 साल पढ़ाया। हम माशाल्लाह 11 बहन भाई हैं, 7 भाई 4 बहनें। जब मेरी बेटी हुई है तो उसके बाद मैं बीमार हो गई थी, मुझे फिजियोशीमा हो गया था। जब मेरी बेटी 17-18 साल की थी तो मुझसे मिलने आई थी लाहौर। उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी की है, उसके 2 बच्चे हैं। बस अल्लाह ताला से यही आस लगाई है कि कभी वो मिलेंगे तो इंशाल्लाह ताला। उससे मुझसे वादा किया हुआ कि मामा मैं आपसे मिलने आऊँगी। नुसरत फातिमा मेरी जान, अब तुम मुझे माफ़ कर दो, अब तुम मुझसे मिलने आ जाओ, मैं तरस गई हूँ तुम्हें देखने के लिए। यहाँ पर ऐसे आई कि छोटी छोटी बातों पर काम वाली झगड़ा करती थी, मुझ पर ब्लेम लगाती थी कि इसने ये कर दिया, तो मेरी जो भाभी हैं उनको स्ट्रेस करती थी मेरे बारे में। मेरा झगड़ा हुआ तो मेरे जो डॉक्टर भाई हैं वो मुझे यहाँ छोड़ गए। मम्मी और डैडी जी बहुत याद आते हैं, उन्होंने हमें फूलों की तरह पाला है। हमें जितना भी करो उनके लिए कम है। कुरान मजीद जितना भी पढ़ो, नमाजें पढ़ो, दुरूद शरीफ बख्शो, उतना ही कम है जिस तरह से उन्होंने हमें पाला है। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं यहाँ कभी भी ना आती। मेरी मम्मी ने मुझे हमें और डैडी जी ने फूलों की तरह पाला था। मम्मी जी माशाल्लाह हमको बिठाती थी और पर बेहतरीन पराठे बना के खिलाती थी। मैं नमाज पढ़ती हूँ, मेरा बच्चों से दिल बहुत उदास हुआ है। एक अजीब सी कैफियत हुई है, मैं बयान बता नहीं सकती। मुझे 15-16 साल हो गए नुसरत से जुदा हो। आप मिलने आई थी ना नुसरत मुझसे, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मामा मैं आपसे मिलने आऊँगी, तो क्यों नहीं मिलने आ रही? मेरा दिल बहुत उदास है। मेरी बेटी मुझसे दूर है, उन लोगों ने मेरी बेटी छीन ली, मेरे जी इस पे कब्जा कर लिया मेरे ससुराल वालों ने। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उमरा कर लूँ। बिनते फातिमा ओल्ड होम की तरफ से जनवरी 2025 काफिला जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि जो मैं उमरा करने की ख्वाहिश रखती हूँ उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, और साथ अल्लाह मेरी भी ख्वाहिश पूरी करते हैं। जब खाना काबा पर मेरी पहली नज़र पड़ेगी तो मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह मुझे मेरी बेटी से मिला दें, और दूसरी ये दुआ करूँगी जो मुझे भेजेगा मैं उनके लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला इनकी मुरादें पूरी करें, अल्लाह ताला इनकी ख्वाहिशें पूरी करें, इनके बच्चों को सलामत रखें, किसी काबिल हों और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मुझे अब एक आस हो गई है, एक उम्मीद हो गई है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर उमड़ा कराएँ। लम्याती नज़ीर उनका फी नज़रिन, मिसले तो ना शुद पैदा जाना। लम्याती नज़ीर उनका फी नज़रिन, अल बहरुल अलावुल मौत।